आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। संसार का सबसे बड़ा सत्य जैसा बताया जाता है मृत्यु है। ठीक है, मृत्यु की मीमांसा अलग अलग ढंग से है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे ये कहने जा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर का सत्य ये है कि हम अपने परिवार के अंदर अपने ही जो पहला रक्त जो हमारे रिलेशन में है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, या मतलब पति पत्नी हैं, हम आपस में जो है एक परिवार, हम एक दूसरे को स्वभाव को समझ कर भी नकारते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। मेरा अर्थ ये नहीं है कि भी उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन जहाँ पर बात बहुत गहरी विशेष तौर पर दाम्पत्य जीवन की आती है तो ये भी जैसा जिसका स्वभाव वैसा रहेगा। जहाँ पर कहते हैं बच्चों की आती है तो उनके मनोभावों को समझकर हमें उसी हिसाब से उनको प्रेरक बनना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, ना कि उनके लिए बहुत ज़्यादा पता नहीं जी क्या हो रहा है, जी समझ में नहीं आ रहा, बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, शार्प है, जी क्या फ़ायदा इन सब बातों का। उसका बेसिक जो मूलभूत उसका जड़ जो स्वभाव मतलब जड़ से है वो देखिए आप, कि वो बच्चा चुप्पा है। फिर ध्यान देना, चुप्पा और छुपा और उसमें वैसे तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन मतलब यहाँ मैं पर्याय रखूँगा मैं मेरी तरफ से, क्योंकि जो व्यक्ति छुपा को उतना ही गहरा होगा पेट का, उतना ही क्या कहते हैं वो बहुत छुपा रुस्तम भी होगा। लेकिन छुपा रुस्तम जब शब्द हम प्रयोग करते हैं तो वो किसी नेगेटिव सेंस में प्रयोग हो जाता है, भी बहुत छुपा। लेकिन छुपा व्यक्ति का अर्थ यहाँ पे ये देसी भाषा में छुपा मतलब जो बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर का हो, बहुत ज़्यादा चुप चुप रहता हो, उसको छुपा बोला जाता है। जल्दी से कुछ बोलता नहीं हो, कुछ नहीं, एक प्रकार से वो एकांत में भी आराम से रह सकता है। ये इतना बड़ा, अभी आपको लगभग 2 मिनट के करीब तो मैं इसी पे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पहले इस थ्योरी को समझ लीजिए, आप अच्छी तरह समझते हैं बस इसको वापस आप ध्यान कर लीजिए। जिस बच्चे का स्वभाव चुप चुप रहने का हो, गहरा मतलब रिजर्व नेचर टाइप का हो, आप भले ही वो अपने काम में कितना हुनर वाला हो, बढ़िया हो, काबिलियत, उसको अवार्ड मिले हो, रिवार्ड मिले हो, लेकिन वो जीवन में किसी भी काम को अपने हिसाब से तरक्की के लिए उतनी तत्परता से, संजीदगी से, सजगता के साथ लपकता नहीं है, उसमें तेजी से आगे बढ़ता नहीं जिस तेजी से, जिस संजीदगी से और बच्चे आगे बढ़ते हैं। वो बस ठीक है, सोचता ही सोचता रहेगा अपना, अपने हिसाब से, कहते ना ढुलमुल रवैया नरम नीति, घर जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, और अपने क्या कहते हैं अपने खुद की तरक्की के लिए। हाँ, दूसरों के लिए वो किंग मेकर बन जाता है, बड़ा सबके लिए दयालु है, दातार है, सब बढ़िया। तो पहले इस चीज़ को समझो, ऐसे बच्चों को लेकर आप चिंता करके क्या करोगे, बल्कि बस खाली मोटिवेट करते रहो, बेटा तू थोड़ा खुल, बेटा तू, क्या बेटी हो या बेटा कोई भी हो, ठीक है ना, आपको इस तरह से करना, नहीं तो फिर छोड़ दो, भगवान को बार बार क्या समझाना, बच्चा भी कि फिर खींच जाता है कि माँ बाप लगे मेरे पीछे पड़ गए, मेरा स्टाइल है। अब वो बच्चा कमाने लग रहा है, बड़ा हो गया, पहली बात हमें तब दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, और कुछ पूछे तो थोड़ा उसको समझा दो, नहीं तो अपना चुप लगा के चलो। शादी होने का तो फिर आपका कोई विशेष वो नहीं रहता है, उस पर भी यही कहूँगा, जब कुछ पूछे उसकी पत्नी मतलब आपकी बहू या बेटा, तब या बेटी या जवाई, तब बात करो, नहीं तो मत करो। आप उनकी ज़िंदगी उनको मुबारक हो, बेटा अभी तो तुम्हारे को देखना है, सामाजिक व्यवहारिक तो होना पड़ेगा ना, ऑफिस हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, घर हो, गृहस्थी हो, दाम्पत्य जीवन हो, तो तुम्हें व्यवहारिक होना पड़ेगा, मजबूत व्यवहारिकता आनी चाहिए, ठीक है ना। इस जगह पे पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती है, पढ़ाई लिखाई खाली आपको ठीक एक चीज़ पे आपको लाके तैयार कर देती है, प्रोफेशन में, सर्विस में आदि जो भी कुछ है आगे, तो आपकी अपनी इनर का मतलब कहते हैं ना अंदरूनी काबिलियत काम आती है, आपकी विद्वता काम आती है, और उससे भी ज़्यादा जो काम आती सुपर वो है सामाजिक व्यवहारिकता, मजबूती, किस ढंग से हम फटाफट तालमेल बनाने में हम परफेक्ट हैं, किस ढंग से हम क्या कहते हैं किसके साथ कैसा व्यवहार करना ये हमें आना चाहिए, किस जगह हमारे को क्या कहते हैं बहुत मजबूती रखनी चाहिए, मतलब वो एक अलग ही अंदाज होता है। कुछ तो बाय बर्थ होता है, कुछ बच्चे को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी सारा इसका नेगेटिव पॉजिटिव सर आप यही समझ लीजिए, मैं सारा इसका कहते दारोमदार माँ बाप पे डालता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे को तैयार नहीं करा, खाली एक ही तैयार करा, बेटा पढ़ना है, बड़ा बनना है इस पृथ्वी पे, तेरे को तेरा काम ही काम आए, तेरा काम ही बस तेरा जीवन है, ठीक है ना, बहुत कमाना, जो भी कुछ समझ लीजिए। तो वो बच्चे फिर क्या होते हैं,
वो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं वो कमाने के चक्कर में, क्योंकि कमाई आती है उनको, कमाना उनको कमाना ही उनके दिमाग में रॉबोट की तरह फीड कर दिया जाता है और वो केवल और केवल कमाई के लिए दूर दराज से जाते हैं। माँ बाप की मम्मी पापा आप आराम से आपको हमारे पास आना रह लो, नहीं तो आप अपने देश रहो, विदेश चले गए या देश में भी दूर चले गए। और फिर कई बार कमाई के चक्कर में उनके अंदर इतनी लोभ पैदा हो जाता है कि वो अपने माँ बाप को भी कहते हैं उनके ऊपर भी कुछ खर्चा करते तो बीच बीच में सुनाए रखते हैं, ठीक है ना। या फिर पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़ा होता है माँ बाप के सामने, माँ बाप के जाने के बाद आपस में बहन भाई एक दूसरे पे मुकदमा ठोक रहे हैं, भाई भाई ठोक रहे हैं, मतलब कर रहे हैं मुकदमा, क्या मतलब है ना। इसीलिए मेरी इस वीडियो के अंदर मैं और भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देखिए बहुत सारे हैं, वैसे तो आप अपनी प्ले लिस्ट देखिए, ठीक है ना। आपने क्या सिखाया, क्या समझा, किस लिए चिंता करो, मैं तो यही नहीं समझ मारी। मंगल कामना, नमस्कार।